नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि का चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर शक्ति की साधना का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार दुर्गा माँ के इस रूप की आराधना करने से देवी आशीष प्रदान करती है और सभी दुखों का नाश होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा की मुस्कान की एक झलक ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और आदिशक्ति की आठ भुजाएं हैं। इनमें से सात हाथों में कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, कमंडल और कुछ शस्त्र जैसे धनुष, बाण, चक्र तथा गदा है, जबकि आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मान्यता है कि माता को कुम्हाड़ी की बलि बेहद प्रिय है। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज नवरात्रि के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जा रही है, किस तरीके का माहौल और उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, नवरात्र का चौथा दिन है। यदि चौथे दिन की यदि बात की जाए तो माँ कुष्मांडा आपकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि चौथे दिन माँ कुष्मांडा का एक स्वरूप के रूप में जो पूजा है भाई की जाती है। यदि नौ दिन की यदि बात की जाए तो नौ दिन अलग अलग जो देवी हैं उनकी जो पूजा अर्चना है वह की जाती है। मगर राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो कर्फ्यू वाली माता मंदिर की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक अद्भुत जो दृश्य है, जो अद्भुत श्रृंगार है वह किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि भोपाल की प्राचीन माता है कर्फ्यू वाली माता, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूजा अर्चना है वही किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए नवरात्रि की तो नवरात्रि का आज चौथा दिन है और जिस प्रकार से सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो ताता है वह लगा हुआ है, लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं, माता के दर्शन का पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि नौ दिन तक यदि बात की जाए तो भारतीय संस्कृति के मुताबिक नौ दिन तक माता की सेवा की जाती है, सेवा के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से चिताली माँ की जो पूजा है, माँ कर्फ्यू वाली माता की जो पूजा अर्चना है वह की जा रही है। लगातार जो श्रद्धालु है वह लगातार माँ से मनोकामना मांगते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही यदि बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल के सभी प्राचीन मंदिर में जो भव्य जो आरती का आयोजन है वह भी किया गया है। क्योंकि नवरात्र और नवरात्र के चौथे दिन आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से माँ कर्फ्यू वाली माता मंदिर में माँ को किस प्रकार से अद्भुत तरीके से सजाया गया है। क्योंकि आज चौथे दिन की यदि बात की जाए तो कुष्मांडा माँ का आज दिन रहता है। आज चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना की जाती है। मगर श्रद्धालुओं की यदि बात करें तो श्रद्धालुओं के मन में बड़ी आस्था है, जिसके चलते सुबह से ही जो एक लंबी जो कतार है वह देखने को मिलती है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक अद्भुत दृश्य है और अद्भुत दृश्य के चलते किस प्रकार से माँ को तैयार किया गया है और लगातार उनकी पूजा अर्चना जो है वह लगातार की जा रही है। इसी प्रकार पूरे देश में नवरात्र को लेकर एक अलग ही जो धूम है वह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विवेक, नवरात्र की धूम जो है पूरे देश में ही देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि किस तरीके से पूजा अर्चना का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। लोगों में किस तरीके का उत्साह है विवेक, और लोगों का क्या कहना है? हम चाहिए कि आप लोगों से भी बातचीत करें, हमारे दर्शकों को बताएं और लोगों से जाने कि उनमें किस तरीके का उत्साह है। क्योंकि जब भी भारतीय परंपरा में किसी भी देवी देवता का पूजा और अर्चना की जाती है तब एक खासा ही उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि बात करें नवरात्रि के पहले दिन की तो पहले दिन से ही जो श्रद्धालु है वह सुबह से ही मंदिर पहुंचकर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और आज चौथा दिन है, आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की चल रही है।
पास जो पूजा की जो सामग्री है वह मौजूद है और माँ पार्टी वाली पूजा अर्चना है वह की जा रही है। क्योंकि बात करें नवरात्र की, तो नवरात्र के 9 दिन को बड़ा शुभ माना गया है भारतीय संस्कृति में और इसी शुभ दिन को कहीं ना कहीं एक अनोखा रूप देने के लिए लगातार श्रद्धालु है वह पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ आए हैं, आप सुबह शायद पूजा अर्चना करने आरती चल रही है भगवान चल रहा है, आरती चल रही है, अद्भुत आरती है जी, आवाज भी आ रही है आपकी। तो चेताली बात करें तो यहाँ पर आरती चल रही है जिसके चलते जो श्रद्धालु है उनसे ज्यादा संपर्क नहीं पा रहा है। क्योंकि तो बात की जाए ढोल नगाड़ों की तो ढोल नगाड़ों के साथ जो महा आरती है वह शुरू हो चुकी है जी। जी विवेक, बात की जाए अगर मंदिर की तो मंदिर में क्या कुछ जो खास है वो नजर आ रहा है और देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर हम रोज जो भक्त है वो अगर मंदिर जाते हैं तो एक अलग ही दृश्य रहता है, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो मंदिरों में जो साज सज्जा की जाती है, जो भोग लगाया जाता है, वो काफी खास होता है और महत्व भी रखता है। विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे? तो देखा आपने कि किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त लगातार माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, माँ कुष्मांडा की पूजा आज की जा रही है, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। विवेक, देखा जाए तो रोजाना जिस तरीके से भक्त मंदिर में जाते हैं तो एक अलग ही दृश्य रहता है, लेकिन जब नवरात्रि का पर्व आता है तब एक खासा उत्साह और जिस तरीके से साज सज्जा पूरे मंदिर में की जाती है, एक अनोखा जो दृश्य है वो भक्तों को देखने को मिलता है। तो किस तरीके से मंदिर में भी साज सज्जा की गई है? अद्भुत श्रृंगार जो है वह पूरा किया गया है और श्रृंगार की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि श्रृंगार से एक अद्भुत जो नजारा है वह देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार भक्तों की यदि बात करें चेताली, तो भक्त आप देख सकते हैं तस्वीर में ये सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ और कहीं ना कहीं जो भक्त है वह पूजा अर्चना के साथ अपनी जो मनोकामना है वो माँ के पास लेके आए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो, जिसके चलते लगातार एक आस्था का जो विषय है वह आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि नवरात्र की यदि 9 दिनों की यदि बात करें तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। इसी प्रकार यदि 4 दिन की यदि बात करें तो 4 दिन की एक अलग स्वरूप जो है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पूजा अर्चना का जो जोर है वह लगातार जारी है। क्योंकि श्रद्धालुओं की यदि बात करें तो श्रद्धालुओं के मन में बहुत आस्था है और आस्था के साथ साथ एक अलग उमंग, उनका एक अलग जोश है जिसके चलते भगवान की जो पूजा अर्चना है वो लगातार सुबह से ही की जा रही है जी। जी शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि
मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, माता को फल फूल्य और उसी के साथ साथ चुनरी भी जो है वो अर्पित की जाती है पूजा अर्चना कर। साथ ही साथ हमने अभी देखा कि माता की आरती में सभी भक्त शामिल हो रहे हैं।